हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। इस सेशन के अंदर हम जो हमारे CSIR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उसका जो मल्टीपल अलील्स का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मल्टीपल अलील्स के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जेनेटिक्स में आपको थ्योरी बहुत कम होती है, इनफैक्ट थ्योरी होती नहीं। बेसिकली जेनेटिक्स में आपको बिल्कुल लॉजिकली सोचना होता है, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, ए ब्लड ग्रुप टाइप ए एंटीजन इज अ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड which differs from H antigen present in type O individual by the presence of terminal। सबसे पहली चीज आपको यहां पर समझनी चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट ब्लड एंटीजन्स होते हैं, टाइप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और फिर ओ होगा। अब सबसे बेसिकली हम कहते हैं कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, एक बार उसको आप यहां पर कंसिडर करें, ठीक है। So, हम आरबीसी की मेम्ब्रेन को कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन है और ये उसका लिपिड का बायलेयर है, ऐसे लिपिड का बायलेयर है। अब ये थ्रू आउट मेम्ब्रेन है, इतना टाइम मेरे पास है नहीं निकालने के लिए, तो ऐसे मैं आपको यहां पर अगर दिखाऊं, ये अब इस बायलेयर के ऊपर ये लिपिड से, और हमें पता है मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड से और ये प्रोटीन है। अब ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीजन्स काम करते हैं, ठीक है, वो ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं या फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पर लिपिड्स के ऊपर ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स को ऐड किया है ना, लिपिड्स के ऊपर हमने क्या किया, ओलिगोसेक्राइड्स को ऐड किया, तो ये क्या बन गए, ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर हम प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन करते तो क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएंगे। तो एक हो गया ग्लाइकोप्रोटीन्स और दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स। तो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों भी ब्लड ग्रुप के लिए काम कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उस इंडिविजुअल का, वो डिपेंड होता है उसके पास कौन सा एंटीजन है। अब कौन सा एंटीजन उस इंडिविजुअल के पास है वो डिसाइड होता है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, उनके टर्मिनल पे कौन सी शुगर है उसके ऊपर डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टर्मिनल शुगर यहां पर इस जगह पर, अगर हम टर्मिनल शुगर को मान लो कि यहां पर टर्मिनल शुगर जो है वो है, टर्मिनल शुगर जो है अगर वो एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन हो तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए होता है। कौन सी हो, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन हो तो ब्लड ग्रुप ए होता है। और आपको ए के बारे में पूछा है, ब्लड ग्रुप टाइप ए एंटीजन इज अ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड जिसके टर्मिनल शुगर पर क्या होता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन हो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी टर्मिनल शुगर जो होती है वो गैलेक्टोज होती है, यानी कि वो डिफरेंट होती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो भी ब्लड ग्रुप डिसाइडिंग ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनकी टर्मिनल शुगर दोनों होती है, वहां पर एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन भी होता है और वहां पर गैलेक्टोज भी होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी, यानी कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वहां पर टर्मिनल शुगर अब्सेंट होती है, ना ही गैलेक्टोज होता है और ना ही एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप का जो कंसेप्ट होता है वो हम पढ़ते हैं, क्लियर।
तो यहां पर ए के बारे में पूछा था इसलिए हमने आंसर फोर्थ किया, एन एसिटिल गैलेक्टोजोमेन। अगर वो बी के बारे में पूछते तो फिर हम आंसर गैलेक्टोज करते। क्लियर, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पर पूछा है। क्या पूछा है? ए मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, तो मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। हैज ए ग्रुप ए चाइल्ड, तो इस मदर का जो बच्चा है चाइल्ड है, उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या आया है? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आया है ए। द फादर कुड बी ऑफ ब्लड टाइप, फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, तो मदर का जीनोटाइप क्या होगा? आई ओ, आई ओ होगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस करें, फादर जो होगा, फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब फादर का ब्लड ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जिससे ए ब्लड ग्रुप आए बच्चे का। ठीक है, अब मदर तो ओ ही है, तो हमेशा इस साइड से तो क्या होना आना चाहिए? आई ओ ही आएगा। तो फादर की साइड से मान लो, लेट्स से सपोज अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मान लो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ए तो ऐसे भी आ सकता है और ए ऐसे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस साइड से तो आई ओ आने वाला है और इस साइड से क्या आएगा? आई ए आई ओ, मतलब ये बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, तो ए तो हो सकता है, तो ये हर किसी ऑप्शन में ए है। ठीक है, यहां पर ए भी ओनली रखा है तो ये गलत हो गया हमारा। अब नेक्स्ट, अगर मदर का यही है, मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो आई ओ आई ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप जो हम यहां पर देख रहे हैं, तो फादर का मान लो लेट से कि फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो फादर का ब्लड ग्रुप बी ऐसे हो सकता है आई बी और आई बी आई ओ। हमें नहीं पता ना फादर का ब्लड ग्रुप बी इसकी वजह से है या इसकी वजह से, इसलिए हमने दोनों कर सके। अब यहां से आई ओ ही आएगा और यहां से बी आएगा तो सिर्फ बी बनेगा और फिर ओ बन सकता है, लेकिन हमें कौन सा चाइल्ड चाहिए? हमें ए ब्लड ग्रुप का चाइल्ड चाहिए, तो बी तो नहीं होना चाहिए उसका, बी नहीं होगा तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब क्या उसका ए बी हो सकता है क्या? तो एक बार हम फादर को यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी लिया, मान लो फादर ए बी का है, तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका जून टाइप क्या होगा? आई ए आई बी। अब देखो यहां से ये यहां पर गया इसके साथ तो आई ए आई ओ आ गया, ये इसके साथ गया तो आई बी आई ओ आ गया, ये इसके साथ गया तो आई ए आई ओ आ गया, और ये इसके साथ, सॉरी ये जो है तो हमारा ये वाला अगर इसके साथ गया तो आई ओ और आई बी आए, तो यहां से ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? ए। यहां से क्या आ रहा है? बी। यहां से क्या आ रहा है? ए। यहां से क्या आ रहा है? बी। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो डेफिनेटली चाइल्ड जो है वो बन सकता है ए। ए के 50% है और बी के 50% है, लेकिन यहां पर पूछा है कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप ब्लड ग्रुप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको सारे कॉम्बिनेशंस ध्यान में रखने। अगर मैंने कहा किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो मुझे पता है कि बी ब्लड ग्रुप ऐसा जीनोटाइप आने पर भी आता है और ऐसा जीनोटाइप आने पर भी आता है, तो आप कौन सा कंसिडर करोगे? आपको दोनों भी कंसिडर करने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये ट्रिक्स यूजुअली आपको कहीं पर नहीं बताई जाती। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आंसर आपको अपने आप से मिल जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना, मैं हमेशा बता दूं 50% आंसर आपका वहीं पर निकल जाता है जहां पर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोसोमल मल्टीपल एलील्स। ठीक है, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते, 1 पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते, जिनको हम एलोसोम भी कहते हैं, एक्स एंड वाई। ये आपको आगे भी काम आएगा, ये ध्यान रखना।
अब मान लो कि जितने ऑटोजोम मेल में होते हैं उतने ऑटोजोम फीमेल्स में होते हैं, मेल में 44 ऑटोजोम्स है यानी कि 22 पेयर्स है, उतने ही नंबर ऑफ ऑटोजोम्स फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं वो गड़बड़ होते हैं, मेल के अंदर एक्स एंड वाई होता है तो फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। पहली चीज यहां पर ऑटोजोम के बारे में बोला है, तो ऑटोजोम जो है वो मेल एंड फीमेल के अंदर सेम होते हैं, ठीक है। अब ब्लर ग्रुप सिस्टम ऑटोजोमल अलील्स के कंट्रोल में, अब क्या पूछा है यहां पर, ए मेल विद ब्लड टाइप ए, ठीक है, तो एक मेल है और उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, लिख लेता हूं यहां पर, ब्लड टाइप जो है वो ए है, तो ब्लड टाइप ए है, एंड अ नॉर्मल विजन, तो इस मेल का विजन जो है वो नॉर्मल है, तो इसका नॉर्मल विजन है। देन आगे बोला है मैरिज, इसकी मैरिज हो गई फीमेल हु हैज ब्लड टाइप ए, तो एक फीमेल है जिसका ब्लड टाइप क्या है, उसका भी ब्लड टाइप ए है, ठीक है, एंड नॉर्मल विजन, तो इसका भी विजन नॉर्मल है। उसके पहले एक लाइन हम मिस कर गए, यहां पर लिखा है कलर ब्लाइंडनेस इज ए रिसेसिव एक्सलिंक ट्रेट, मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्सलिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्सलिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है, ठीक है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ये यहां पर दे रखा है, इसका मतलब एक्सलिंक रिसेसिव है। और आपको पता है रिसेसिव डिजीज होने के लिए दोनों अलील्स की कॉपीज जो है वो म्यूटेंट होनी चाहिए तब डिजीज होगा, अगर डोमिनेंट डिजीज होगा तो डोमिनेंट डिजीज में एक अलील की कॉपी भी अगर म्यूटेंट हो तो भी डिजीज हो जाता है, लेकिन रिसेसिव में दोनों अलील्स की कॉपीज म्यूटेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेल के अंदर डिजीज करना है तो मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और कलर ब्लाइंडनेस के लिए सी लिखा, एक्स सी वाई कर दिया तो मेल डिजीज हो गया, लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसी कंडीशन में डिजीज नहीं होगा क्योंकि एक तो म्यूटेंट है दूसरा भी काम कर रहा है तो डिजीज नहीं होगा। हाँ, लेकिन फीमेल्स में डिजीज ऐसी कंडीशन में होगा, दोनों अलील्स को क्या करना पड़ेगा, म्यूटेंट करना पड़ेगा दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फीमेल के अंदर डिजीज हो गया, फीमेल के अंदर ये क्या हो गया, नॉर्मल ही है बट नॉर्मल में क्या करेंगे, इसको कैरियर कहेंगे, कैरियर मतलब क्या, डिजीज का अलील तो कैरी कर रहा है लेकिन वो डिजीज शो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि डिजीज रिसेसिव है और रिसेसिव डिजीज होने के लिए दोनों भी कॉपीज क्या होनी चाहिए, म्यूटेंट होनी चाहिए, जो कि यहां पर है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, डिजीज, लेकिन यहां पर डिजीज नहीं हुआ, मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी काम नहीं कर रहा है तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, डिजीज, ठीक है, तो मेल के अंदर डिजीज होने के लिए एक ही एक्स क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन होगा तो भी हो जाएगा, फीमेल के अंदर दोनों में होना पड़ेगा। अब क्या बोला है, यहां पर एक मेल है जिसका विजन नॉर्मल है, एक फीमेल है उसका भी विजन नॉर्मल है, दोनों का विजन नॉर्मल है, और जो ब्लड टाइप ए है दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। अब इसमें बोला है कि ब्लड ग्रुप जो है वो ऑटोसोमल कंट्रोल में होता है और जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर पूछा है द कपल्स फर्स्ट चाइल्ड इज मेल हु इज कलर ब्लाइंड, कपल का पहला चाइल्ड है तो इनका फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, मेल है, मेल मतलब वो ऐसा है और वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड नाम मतलब इसका सी है, ठीक है, मतलब एक्स इसका क्या है, एक्स के ऊपर जो जीन है उसका वो म्यूटेंट है। अब हमें पता है मेल चाइल्ड है तो इसने अपनी फादर साइड से क्या लिया होगा, वाई, और अपनी मदर साइड से इसने क्या लिया होगा, एक्स, लेकिन मदर साइड से ये म्यूटेंट एक्स उसने लिया है लेकिन मदर को डिजीज नहीं है, इसका मतलब मदर का जीनोटाइप कैसा है, एक्स सी एक्स है, और फादर का कैसा होगा, एक्स वाई, अगर फादर ऐसा होता एक्स सी वाई एक्स का तो फादर को डिजीज होता लेकिन फादर क्या है, नॉर्मल है, तो इसलिए यहां पर फादर कैसे होंगे, तो वो एक्स वाई वाले, क्लियर, तो तभी ऐसा जो है वो बच्चा क्या हो सकता है, डिजीज आ सकता है। ओके, मेल हु इज कलर ब्लाइंड एंड हैज ब्लड ग्रुप ओ, तो इस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, तो इस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आया ओ।
इसका मतलब इसका जॉइंट टाइप क्या होगा ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का जॉइंट टाइप होगा आईओ आईओ। तो इसने क्या किया होगा, एक आईओ फादर साइड से लिया होगा और एक आईओ मदर साइड से लिया होगा। तो आप देखो ना, अब ब्लड टाइप यहां पर ए है तो डेफिनेटली इसका आई ए आई ओ रहा होगा और फीमेल का भी आई ए आई ओ रहा होगा, तभी तो इस साइड से एक आई ओ आया होगा और इस साइड से एक आई ओ आया होगा। सिंपल से समझ गए। अब दूसरी चीज पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड, उनका नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड हैज नॉर्मल विजन एंड ए ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब उनका नेक्स्ट चाइल्ड नॉर्मल हो, नॉर्मल विजन हो और ब्लड ग्रुप उसका ओ हो, इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले विजन के बारे में बात करते हैं। अब उस फीमेल चाइल्ड का विजन किसके ऊपर डिपेंड है, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड है। तो पहले इनका क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो मेल ऐसा है, उस मेल का क्रॉस किया किसके साथ, इस फीमेल के साथ क्रॉस किया, एक्स सी वाई के साथ। ठीक है, और ऐसा करने पर अब आप यहां पर ये जो है क्या करो, यहां से क्रॉस करो। अब ये इसके साथ गया, हर कोई किसी के साथ जा सकता है, तो एक्स सी एक्स आ गया। ये इसके साथ जा सकता है तो क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। अब ये इसके साथ गया तो एक्स सी वाई आ गया, और ये पर यहां पर वाई नहीं होगा, यहां पर जो है फीमेल ना, फीमेल तो एक्स होगा, फीमेल एक्स वाई कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्स जो है फिर से एक बार यहां पर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसा हो गया तो आराम से ये एक्स जो है वो एक्स सी एक्स आ गया, ये इसके साथ गएगा तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा। फिर ये इसके साथ जाएगा तो एक्स सी वाई आ जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरी वजह से दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़े टाइम के लिए यहां से गायब हो सकता हूं। ओके, यहां पर समझ में आ गया। तो अब देखिए, ये जो है फीमेल है, ये फीमेल है, नेक्स्ट चाइल्ड फीमेल है, मेल का तो पता ही नहीं, पूछा ही नहीं, तो ये हमें इनसे कुछ लेन देन नहीं, ये दोनों मेल है, एक्स वाई एक्स वाई मेल है, तो इनका हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये फीमेल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये भी फीमेल क्या है, नॉर्मल है, दोनों भी फीमेल क्या है, नॉर्मल है। एक फीमेल नॉर्मल होते हुए क्या कैरियर है, लेकिन उसको डिजीज नहीं है। अब आपको पूछा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट फीमेल चाइल्ड हैज अ नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%, 100% यानी कि क्या, 1 है। एंड ए ब्लड ग्रुप ए, तो उसकी ब्लड ग्रुप ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो हमें पता है यहां पर मेल का जो मेल है तो उस मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए आई ओ, और जो फीमेल है उस फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए आई ओ। ठीक है, इनका क्रॉस करोगे तो ये आई ए इस आई ए के साथ जाएगा तो क्या आएगा, आई ए आ जाएगा। ये आई ए इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, आई ए आई ओ आएगा। ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, आई ए आई ओ आएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, आई ओ आएगा। ठीक है, चार में से यहां पर देखो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, यहां पर आएगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इस जगह पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, हम आराम से आप यहां पर देख सकते हो, तो इस जगह पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए। फिर इस जगह पर कौन सा आएगा, अगेन ए। यहां पर कौन सा आएगा, ए, और यहां पर कौन सा आएगा, ओ आएगा। ठीक है, तो चार में से ओ कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1/4। ठीक है, तो उस फीमेल चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आने के चांसेस कितने हैं, ओ, 1/4। उसका नॉर्मल विजन होने के चांस कितने हैं, 1। तो 1 को तो किससे मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर सीधा आपका आंसर हो जाएगा क्या, 1/4। समझ गए, आपको दो चीजें पूछी थी, एक तो फीमेल नॉर्मल होनी चाहिए, फीमेल चाइल्ड हैज नॉर्मल विजन, एंड सेकेंड ब्लड ग्रुप ओ, तो नॉर्मल विजन आने की प्रॉब्लम कितनी है, वो है 1, यानी कि 100%, और उसका ब्लड ग्रुप ओ आने की प्रॉब्लम कितनी है, 1/4। तो 1/4 into 1 is equal to क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 1/4। क्लियर, तो इस तरीके से आपको यहां पर आंसर समझना है, क्लियर है ये, एस और नो? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यहां पर सिंपल से पूछा गया है, इन हॉस्पिटल 3 बेबीज वेर मिक्स्ड अप। ठीक है, जैसे हम बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि जो बचपन में एक ही हॉस्पिटल में बच्चे जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, किसी और का बच्चा लेके जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर। द ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबीज वेर ए बी एंड ए बी, 3 बेबीज है तो एक बेबी का ए है, दूसरे का बी, तीसरे का ए बी। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज, बेबीज के पेरेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, द ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स वेर डिटरमाइंड, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दे, द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड वेर, 3 बेबीज है तो उनके 3 पेरेंट्स सेट दे रखे और किसका बेबी कौन सा है वो पहचानना है। विच द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी डेफिनेटली मेड, डेफिनेटली बोला है तो इस वर्ड के ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, पहला, द बेबी विद ब्लड ग्रुप ए इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 2। प्रूव करते हैं, क्या दिख रहे हैं प्रूव करने में। ठीक है, जिस बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो बेबी विद ब्लड ग्रुप ए, बेबी विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, वो किसके किसका बेबी बोल रहे हैं, पेरेंट सेट 2 का। तो पेरेंट सेट 2 क्या है, एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो, दूसरे का ओ है। तो देखो ना, एक पेरेंट क्या है मान लो आई ए आई बी और दूसरा पेरेंट क्या है आई ओ आई ओ, ये इसके साथ गया तो क्या आ सकता है आई ए आई ओ, ये इसके साथ गया तो क्या आएगा अगेन आई ए आई ओ, ये इसके साथ गया तो क्या आ जाए, इसके साथ गया तो क्या आ जाएगा आई बी आई ओ, और ये इसके साथ गया तो आई बी आई ओ, यानी कि यहां से आ सकता है ए ब्लड ग्रुप और यहां से आ सकता है बी। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते क्योंकि ये पेरेंट जो है दो तरीके के बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा और दूसरे ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा। डेफिनेटली नहीं कह सकते क्योंकि इनका बच्चा बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है और ऊपर 3 बेबीज है ए बी एंड ए बी, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट से, समझ रहे, इसलिए डेफिनेटली वर्ड को अंडरलाइन किया है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, द बेबी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 1। ठीक है, अब बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, तो बेबी का ब्लड ग्रुप है ए बी और वो किसका चाइल्ड है बोल रहे, पेरेंट सेट ए, दैट इज ए एंड ए बी। ठीक है, तो ए का क्या आएगा, ए का ब्लड ग्रुप तो ऐसे भी आ सकता है आई ए आई ए, ठीक है, और आई ए आई ओ ऐसे आ सकता है, हमें दोनों पकड़ने पड़ेंगे, उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो पहले हम इसको पकड़ के चलते हैं, कौन से आई ए आई ए को, और इसका क्रॉस किया आई ए और आई बी के साथ। ठीक है, तो यहां से यहां पर आओगे तो आई ए आने वाला है, लेकिन यहां से यहां पर जाओगे तो क्या आने वाला है आई ए आई बी, जैसा दिख रहा है तो डेफिनेटली कह सकते हैं क्योंकि इन पेरेंट्स का बच्चा ए ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है और इन पेरेंट का बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, तो डेफिनेटली हम नहीं कह सकते। ये तो हमने देखा कैसे आई ए करके, अगर हम आई ए आई ओ करके देखें, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप हम श्योर नहीं है किसकी किसकी वजह से आया है, तो आई बी यहां पर देखा तो देखो ये यहां से गया तो क्या आया आई ए आया, लेकिन ये अगेन इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा आई ए आई बी आएगा, तो यहां से ए भी बन सकता है और यहां से ए भी बन सकता है, तो ये भी नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है, हर कोई कॉम्बिनेशन आपको यहां पर अप्लाई करना है, सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग यहां पर हमें नहीं लगाना है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड निकालता हूं, यहां पर आपको दिखेगा नहीं इसलिए कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। ठीक है, चलो बढ़िया है, अब देखो आराम से यहां पर थर्ड क्या बोला है, द बेबी विद ब्लड ग्रुप बी इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 3। अब जिस बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, वो बोल रहे कि पेरेंट सेट 3 का चाइल्ड है, तो पेरेंट सेट 3 क्या है बी, तो आई बी ऐसे आ सकता है या आई बी आई ओ ऐसे आ सकता है, दोनों से कोई भी आ सकता है, तो हम पहले इसको टेस्ट करते हैं आई बी को और इसका क्रॉस आई ए और आई बी के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, ये किया, अब क्या आएगा, यहां से आएगा क्या ए बी, ठीक है, और यहां से आएगा क्या बी,
सीधी बात है ए भी आ रहा है तो डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेरेंट सेट ये दोनों पेरेंट्स मिलकर ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बी ब्लड ग्रुप का बच्चा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए थर्ड भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और चेक करना तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, आई बी आई ओ कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आई ए आई बी, तो ये इसके साथ गया तो ए बी आ गया, ये इसके साथ गया तो बी आ गया, और ये इसके साथ गया तो ई आ गया, ये इसके साथ गया तो बी आ गया, और ही खतरनाक हो रहा है। ठीक है, तीनों ऑप्शंस यहां पर नहीं बैठ रहे तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्या बोला है, द पेरेंटेज ऑफ नन ऑफ द बेबीज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, वेरी गुड। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पर। फिफ्थ क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन में यहां पर कह रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी ऑफ ए मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आर एच पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी आर एच पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ आर एच निगेटिव, इस बेबी के जो फादर है वो क्या है, ओ आर एच निगेटिव है। वॉट मिक्स्ड विद अदर बेबीज इन द हॉस्पिटल, अगेन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा केयरलेस हो रहे हैं लोग, इसलिए मिक्सिंग हो रही है। द बेबी विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी सेड कपल। ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी ऑफ मदर हैविंग ब्लड, अच्छा थोड़ा सा उल्टा हमने यहां पर समझने की कोशिश की, न्यूबॉर्न बेबी ऑफ मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आर एच पॉजिटिव एंड फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ आर एच नेगेटिव गॉट मिक्स्ड विद अदर बेबीज इन द हॉस्पिटल, द बेबी विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी सेड कपल। एक्चुअली ये बेबी का ब्लड ग्रुप नहीं है, दिस इज द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर। तो ऐसे होता है अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते, ये इसका एग्जाम्पल है, देख लो। ठीक है, कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो आप, कितना भी आप पढ़ लो, अगर उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप फोकस करके क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो डेफिनेटली आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो और एक बार बता रहा अच्छे से, अ न्यूबॉर्न बेबी ऑफ ए मदर, ठीक है, हैविंग ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी आर एच पॉजिटिव एंड फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ऑफ ओ आर एच निगेटिव गॉट मिक्स विद अदर बेबीज, द बेबी विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ सेड कपल। ठीक है, अब जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप ए बी आर एच पॉजिटिव है एंड फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ आर एच निगेटिव है। ठीक है, पहली चीज, इस फादर मदर की साइड से आर एच पॉजिटिव आएगा और फादर की साइड से आर एच निगेटिव आएगा, तो आर एच पॉजिटिव डोमिनेट होता है आर एच निगेटिव के ऊपर, तो डेफिनेटली बेबी आर एच पॉजिटिव होना ही चाहिए। ये तो पहला, ठीक है, स्टेप हमारा। तो जो आर एच निगेटिव वाला ऑप्शन है उसको सीधा हम ऐसे हटा देते हैं, दो ही ऑप्शन बचे, एक तो वो बेबी ओ ब्लड ग्रुप का होना चाहिए या फिर वो बी ब्लड ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ए बी है और यहां पर ओ है, कभी ओ ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गया, सीधा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्यों, इसका जो टाइप क्या होगा, आई ए आई बी होगा ए बी का, ओ का क्या होगा, आई ओ होगा। तो क्रॉस कैसे होगा, मदर जो है वो आई ए आई बी है और इसका क्रॉस फादर के साथ होगा, फादर आई ओ है, आर एच का हमने पहले से बाहर निकाल दिया, बच्चा कुछ भी करके आर एच पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि फादर साइड से हमेशा आर एच पॉजिटिव जाएगा, सॉरी मदर साइड से हमेशा आर एच पॉजिटिव जाएगा और फादर साइड से हमेशा आर एच निगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब यहां से ये इसके साथ गया तो क्या आएगा, आई ए आई ओ, ये इसके साथ गया तो क्या आएगा, आई ए आई ओ, ये इसके साथ गया तो क्या आएगा, आई बी आई ओ, ये इसके साथ गया तो आई बी आई ओ, तो यहां से क्या आएगा ए, यहां से क्या आएगा ए आएगा, यहां से क्या आएगा बी, और यहां से क्या आएगा बी।
है ना, क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं ना, ए जो है वो डोमिनेंट होता है ओ के ऊपर, बी जो है मतलब आई ए जो होता है इसके ऊपर डोमिनेंट होता है, आई बी जो होता है इसके ऊपर डोमिनेंट होता है, आई ए एंड आई बी जो होते हैं वो कोडोमिनेंट होते हैं, दोनों साथ में दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई ए आई ओ को साथ में रखा तो ब्लड ग्रुप हमेशा किसका आएगा, ए का आएगा, फिनोटाइप किसका दिखेगा, ए का। आई बी आई ओ को साथ में रखा तो किसका आएगा, बी का आएगा, लेकिन आई ए आई बी को दोनों को साथ में रखेगा तो दोनों की दिखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। तो यहां पर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, तो बी हमारे ऑप्शन में है ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ। इतना इजी तरीके से आप यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ए रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। एक रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज है और आपको पता है रिसेसिव डिजीज होने के लिए दोनों एलील्स की कॉपीज म्यूटेंट होनी चाहिए, वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप में दिख रहा है और किसी भी ब्लड ग्रुप में डिजीज नहीं होता। एंड नॉट एक्सप्रेस इन ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी, बाकी किसी भी इसमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। Alleles controlling the disease and blood group are independently inherited, ठीक है। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाले इंडिपेंडेंट होते हैं और हमारा जो अलील डिजीज का लील है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों भी अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर है, ठीक है। ए नॉर्मल वुमन विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, चलो एक वुमन है, ठीक है, वो नॉर्मल है, ठीक है, लिख लेता हूं यहां पर नॉर्मल, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। विद ब्लड ग्रुप ए, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ब्लड ग्रुप इज ए, ओके। एंड हर नॉर्मल हस्बैंड विद ब्लड ग्रुप बी, तो इसकी मैरिज हो गई है, ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक नॉर्मल हस्बैंड से और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ब्लड ग्रुप इज बी, ओके। ऑलरेडी हैड वन चाइल्ड विद द डिजीज, तो इनका ऑलरेडी एक चाइल्ड जो है वो क्या है, डिजीज्ड है ना। इसका मतलब 101% ऊपर लिखा है, डिजीज इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन ओ ब्लड ग्रुप, तो इस बच्चे का, इस डिजीज चाइल्ड का ब्लड ग्रुप डेफिनेटली क्या रहा होगा, जिन्होंने उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसी इंफॉर्मेशन से हमने यहां पर पता किया, और इसका ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, ओ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो डेफिनेटली ये आई ए आई ओ जीनोटाइप्स का रहा होगा, और इसका ब्लड ग्रुप बी है तो डेफिनेटली ये आई बी आई ओ ब्लड ग्रुप की रही होगी, मतलब ये मदर एंड फादर उल्टा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे, साइन लगाया हुआ है, ये समझ गए, क्यों, क्योंकि तभी तो इस साइड से ऐसे आएगा, ये आई ओ रहा होगा ना, इसका आई ओ तभी तो ये होगा। अगर मान लो इसका ब्लड ग्रुप ऐसा होता आई ए तो कभी पॉसिबल नहीं था ओ आना, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो ढंग से तो आराम से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डिजीज हो गया, डिजीज हो गया, अब बोला नहीं एक्सलेंट है कुछ है तो ऑटोसोमल होगा, इसका मतलब डिजीज हो गया तो इसका स्मॉल ए रहा है तभी डिजीज हो जाएगा, और यहां पर स्मॉल ए तभी आ सकता है, ये तो नॉर्मल है, इसका मतलब इनका क्या रहा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा, तभी तो एक ए इस साइड से आया होगा और एक ए इस साइड से आया होगा, बात खत्म। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, द वुमन इज प्रेग्नेंट फॉर सेकेंड टाइम, ठीक है, प्रेग्नेंट है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड चाइल्ड विल ऑल्सो हैव द डिजीज। पहली चीज, डिजीज होने के लिए क्या चाहिए, ब्लड ग्रुप, तो ऐसे पेरेंट्स है, ठीक है, तो ये पेरेंट्स जो है इनका ब्लड ग्रुप कैसा है, आई ए आई ओ और आई बी आई ओ ऐसा है इनका, ठीक है। तो अब इससे ओ डिजीज आने की प्रॉब्लम क्या है, आई ए आई बी आएगा, ये गया तो फिर ये इसके साथ गया तो आई ए आई ओ आएगा, ठीक है,
ये इसके साथ गया तो आई बी आई ओ आएगा, ये इसके साथ गया तो आई ओ आएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं, एक सेकंड में दिखाते हैं। ओके, तो अब आप देख रहे हो यहां पर ये क्या आएगा, ए बी, इसका रूप क्या होगा ए, इसका क्या होगा बी, इसका क्या होगा ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, चार में एक बार। तो इस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/4। दूसरी चीज, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो फीमेल जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए है और मेल जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो यहां से ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल ए आएगा, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, ये इसके साथ जाएगा तो अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल ए आएगा। ये तीनों कंडीशन में एक एक डोमिनेंट ए है तो ये सारे नॉर्मल होंगे और ये वाला क्या होगा, डिजीज होगा। तो डिजीज होने की प्रॉब्लम क्या है, 1/4, चार में एक दिख रहा है, डिजीज होने की प्रॉब्लम 1/4। अब डिजीज तभी हो सकता है जब ब्लड ग्रुप ओ हो और स्मॉल ए आए। तो ब्लड ग्रुप ओ आने की प्रॉब्लम क्या है, 1/4, डिजीज होने की प्रॉब्लम क्या है, 1/4। तो हमारा डिजायर जब बढ़ता है प्रॉब्लम में, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम में, जब हमारा डिजायर इंक्रीज होता है तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसलिए हमें यहां पर दोनों कंडीशन पकड़नी पड़ेगी। क्या पकड़ना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप ए भी ओ भी होना चाहिए और डिजीज के लिए स्मॉल ए स्मॉल भी होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ओ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 1/16। बहुत सारे लोगों ने आंसर 1/4 निकाला होगा, सीधा उन्होंने डिजीज की प्रॉब्लम निकली हुई। लेकिन डिजीज तभी हो सकता है जब इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो, और ओ ब्लड ग्रुप होने की प्रॉब्लम कितनी थी, 1/4। बिकॉज इस बच्चे का ब्लड ग्रुप आप देख सकते हो, ए बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, लेकिन ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं होता। इसलिए आपको डिजीज की प्रॉब्लम अलग से निकालनी है और आपको ब्लड ग्रुप की प्रॉब्लम अलग से निकालनी है, और दोनों प्रॉब्लम को एक साथ लाओगे तो डिजीज होने की प्रॉब्लम कितनी आएगी, 1/16। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर आराम से इन चीजों को समझना है। क्लियर है, समझ में आ गया, एस और नो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, म्यूटेशन एट टू डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम जीन एक्स इन अल्टर्ड फंक्शंस, दिस टू म्यूटेटेड ऑफ जीन एक्स आर कॉल्ड, ऑब्वियसली इनको अलील्स कहेंगे। सपोज आपके पास एक जीन है, ठीक है, दिस इज जीन एक्स, और इस जीन एक्स में एक जगह पर म्यूटेशन हो गया, जीन एक्स में क्या हो गया, एक जगह पर म्यूटेशन हो गया, और वो यहां पर हो गया, ठीक है, और एक सेम एग्जैक्टली सेम जीन एक्स था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर यहां पर म्यूटेशन हो गया। तो अब ये एक लोकाय है और दिस इज अनादर लोकाय, तो सेम जीन के अगर डिफरेंट लोकाई पे म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से उसका फंक्शन अल्टर होता है तो उसको हम यहां पर क्या कहेंगे, ऑब्वियसली अलील्स कहेंगे। व्हाट आर अलील्स, अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच रिसाइड्स ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है, विच रिसाइड्स एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, मोर अप्रोप्रिएट। अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच रिसाइड्स एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, तो इसको हम क्या कहेंगे, अलील्स कहेंगे। क्लियर है, एस और नो? तो इस तरीके से आपका जो अलील्स का सेक्शन है जेनेटिक्स का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे सीएसआई नेट के, तो इस तरीके से ये मैंने आपको अच्छे से यहां पर बताया। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
आराम से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग पेशेंटली। ऐसे ही और डिस्कशन हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।